हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉक्सिकोलॉजी वाला यूनिट शुरू किया था। और टॉक्सिकोलॉजी किसको कहते हैं, डेफिनेशन बताया था मैंने। टॉक्सिक मतलब पॉइजन, है ना। टॉक्सिकोलॉजी किसको कहेंगे, टॉक्सिकोलॉजी इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल्स एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल और ज़ीनोबायोटिक्स और ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये डेफिनेशन थी। एंड ऑल टॉक्सिकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद द कंसंट्रेशन और क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल्स दैट कैन बी अकर इन द एनवायरमेंट, जो भी हमारे एनवायरमेंट में टॉक्सिक्स प्रेजेंट होते हैं, मैन मेड होते हैं या नेचुरल होते हैं, इसके साथ भी इसका रिलेशन होता है। ओके, नाउ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी जो मेन टॉपिक है हमारा, इट इज़ कंसर्न primarily with the harmful effects of chemicals that are encountered by man either directly or indirectly। मतलब इनका कंसर्न किसके साथ होता है, वो केमिकल जिनका कि हार्मफुल इफेक्ट होता है, वो टॉक्सिन्स के रूप में काम करते हैं, या तो डायरेक्ट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली कैसे भी हमारे फूड चेन या एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। Environmental toxicology includes several specialized area such as pollutants having toxic effect on man, pollution disturbing the ecological balance of the biosphere। ये कुछ specialized area के, जैसे कि pollutants होते हैं जिनका कि ह्यूमन बींग पर टॉक्सिक इफेक्ट होता है, या फिर ऐसे पॉल्यूशन जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब करते हैं, उनके साथ ये एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का कंसर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिकेंट्स एंड टॉक्सिसिटी, यानी कौन सी चीज़ें टॉक्सिकेंट्स होती है, या कौन सा पॉल्यूटेंट कॉपन या किसी भी केमिकल को टॉक्सिकेंट्स कहेंगे, और उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसका इफ़ेक्ट क्या है। देखो, इसको टॉक्सिक, जो कोई भी सब्सटेंस कैसे टॉक्सिन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और टॉक्सिक सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एज वन विच डेमोंस्ट्रेट द पोटेंशियल टू इंड्यूस कैंसर, produce long-term disease or bodily injury, to affect health adversely, to produce acute discomfort or to endanger the life of man or animals through exposure via the respiratory tract, skin, eyes, mouth and other routes। Okay? देखिए, टॉक्सिक की क्या डेफिनेशन दी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वालों ने, कि इस किसी भी चीज़ सब्सटेंस को हम कैसे वो कहेंगे कि टॉक्सिक है, कि अगर ये कैंसर इंड्यूस करता है या लॉन्ग टर्म डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, या बॉडी में कोई इंजरी करता है इसके इफेक्ट के कारण, या कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देता है, या कोई डिस्कम्फर्ट करता है, या लाइफ का एंडेंजर करता है किसी भी मैन और एनिमल को, और तो इसको हम टॉक्सिक कहेंगे। और इसका एक्सपोजर कैसे होगा, सबसे जो मेन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, आईज, माउथ और अदर रूट्स, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से इनका एक्सपोजर होता है, जिनमें सबसे जो प्रमुख जिसे हम मानते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही होता है। इसके अलावा जो माउथ या स्किन या आईज जो भी है, इसके द्वारा किसी भी स्किन का टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल में। ओके, नाउ अ टॉक्सिकेंट इज एन एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस एन एडवर्स रिस्पॉन्स इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, सीरियसली डैमेजिंग इट्स स्ट्रक्चर और फंक्शन और प्रोड्यूसिंग डेथ।
देखिए, एक टॉक्सिकेंट जो है एक ऐसा एजेंट है दैट कैन प्रोड्यूस एज एडवर्स रिस्पॉन्स, जो कि एक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में सीरियसली डैमेजिंग कर सकता है इसके स्ट्रक्चर में, इसके फंक्शन में, और इवन प्रोड्यूसिंग डेथ। ओके, द एडवर्स रिस्पॉन्स मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ मेजरमेंट दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल रेंज फॉर हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। मतलब एडवर्स रिस्पॉन्स किसको कहेंगे? एडवर्स रिस्पॉन्स मे बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अ मेजरमेंट दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल रेंज ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर उसकी रेंज इतनी है, किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड उसकी इतनी रेंज हो कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करे। अ टॉक्सिकेंट और फॉरेन सब्सटेंस मे बी इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली इन टू द इकोसिस्टम, इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इट अनफेवरेबल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो भी टॉक्सिकेंट या फॉरेन सब्सटेंस या तो कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, या तो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम एंड इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इट अनफेवरेबल फॉर ऑर्गेनिजम्स। एक्सीडेंटली जैसे कई बार किसी फैक्ट्री में कोई गैस लीक हो जाती है या किसी केमिकल का रिसाव हो जाता है, तो वो जो टॉक्सिन है वो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस होता है किसी भी सिस्टम में, है ना। जैसे भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी, अभी भी किसी उसमें गैस प्लांट में लीकेज हुई थी, केमिकल रिसाव हो गया था। तो इस तरह का जो टॉक्सिन है वो एक्सीडेंटली हमारे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाता है। नाउ टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कुड बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू कॉज इंजरी टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी टॉक्सिन की क्या टॉक्सिसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, कि कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इंजरी कॉज करने की। कैपेसिटी टू कॉज इंजरी टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो ह्यूमन बींग ही हो, उसमें उस सब्सटेंस की कितनी कैपेसिटी है इंजरी कॉज करने की। अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस विल डैमेज एन ऑर्गेनिज्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी अगर कोई सब्सटेंस बहुत ही जहरीला है या बहुत ही टॉक्सिक है, तो उसका वेरी स्मॉल अमाउंट ही काफ़ी होता है नुकसान करने के लिए। जैसे कि अपन साइनाइड के बारे में सुनते हैं कि सबसे टॉक्सिक होता है, उसका बहुत ही लिटिल अमाउंट भी एडवर्स इफेक्ट तो क्या पूरा किल ही कर देता है मैन को, है ना। तो इस तरह से और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं, कुछ तो डेडली पॉइजीनियस होते हैं, उसका बहुत कम अमाउंट ही काफ़ी होता है। अ सब्सटेंस ऑफ लो टॉक्सिसिटी विल नॉट प्रोड्यूस एन इफेक्ट अनलेस द अमाउंट इज़ वेरी लार्ज। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में तो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर उसका अमाउंट बढ़ता रहा समय के साथ, तो फिर वो टॉक्सिन की तरह से काम करने लग जाता है। जैसे कि अक्सर जो बहुत लंबे समय तक फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, या जिस बेल्ट में आर्सेनिक होता है या फ्लोराइड होता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर डिपॉजिट होती जाती हैं चीज़ें और वो फिर टॉक्सिन की तरह काम करती हैं। दस टॉक्सिसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंस टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड और एब्जॉर्ब द वे इन विच दिस क्वांटिटी इज एडमिनिस्टर्ड। मतलब किसी भी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी क्या है वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट की गई है या एब्जॉर्ब किया गया है। किसी भी तरीके से कितना अमाउंट उसको दिया गया है, चाहे वो इनहेलेशन से है या इंजेक्शन से है या इंजेक्शन से है, उसको कितना अमाउंट कितना डोज दिया गया है उसके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया गया है उस पर डिपेंड करता है।
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम, मतलब जैसे सिंगल डोज दिया है या रिपीटेड डोज, जैसे कई बार एक डोज दिया उसमें गलती का एहसास हो जाता है तो वो डोज रिपीट नहीं होता है। कई बार अपन सुनते हैं ना पेशेंट को गलत इंजेक्शन लग गया है, तो चलो एक ही इंजेक्शन लगा तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका अगर डबल डोज लग गया तो बहुत नुकसान करता है। द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी एंड द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस दैट इंजरी, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टॉक्सिसिटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजन ऑफ टॉक्सिकेंट, मतलब उस टॉक्सिकेंट का ओरिजन कहाँ से हुआ है इस पर इसकी टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। दिस में बी नेचुरल इन ओरिजन और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक वंस, ये कैसा भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स में ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल सोर्सेस, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, एनिमल से जैसे कि वेनम वगैरह है, प्लांट कुछ टॉक्सिक होते हैं जैसे कुछ मिनरल्स, जैसे एक अल्फा अल्फा प्लांट के बारे में सुनते हैं इससे टॉक्सिन हो जाता है ज़्यादा इकट्ठा होने से, कुछ मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल टॉक्सिकेंट्स हैं। एनिमल टॉक्सिन्स एज वेनम्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सेवरल प्लांट्स कंटेन टॉक्सिक एजेंट्स एंड मैनी ऑफ दिस डेवलप फॉर मेडिसिनल यूज़, जो प्लांट्स के अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं उनका ज़्यादा अमाउंट अगर एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा तब तो टॉक्सिन की तरह काम करेंगे, अदरवाइज ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं इनकी, इन प्लांट्स की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है अगर इसको एक निश्चित मात्रा में इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये नुकसान नहीं करती है, लेकिन उसके ज़्यादा अमाउंट होने पर ये टॉक्सिन की तरह से काम करती है। ओके, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो भी टॉक्सिकेंट्स के क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इतना आप करिएगा। ओके, थैंक यू।